जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से गुटके को लेकर जो एक लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं वो किसी गलत कारण से नहीं है। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऐड काफी वायरल हुआ था जिसमें कि अक्षय कुमार एक गुटके कंपनी के लिए ऐड करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो ऐड वहां पर वो इलायची के लिए कर रहे थे, पर उस इलायची की आड़ में क्या कुछ बेचा जाता है, किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, ये आप हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में अक्षय कुमार ने जब इस ऐड कैंपेन के साथ हाथ मिलाया और ये ऐड पब्लिक के सामने आया तो पब्लिक में खासी नाराजगी छा गई और लोग कहने लगे कि एक तरफ तो अक्षय कुमार स्वस्थ भारत के मिशन को पूरा सपोर्ट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे काम करते हैं। ऐसे में जब ये हिपोक्रेसी बढ़ती गई तो आखिर में अक्षय कुमार ने माफी मांग ली और कहा कि मैं इससे अपने हाथ पीछे खींच रहा हूं और आगे ऐसे ऐड नहीं करूंगा, लेकिन ये ऐड जिसमें कि मेरा करार हो चुका है वो जब तक चलेगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद से ही ये बहस काफी तेज हो गई है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ये आखिर कब तक ये सब काम करते रहेंगे और ये लोग क्यों नहीं सोचते कि पब्लिक आखिर इससे किस तरह से बर्बाद हो रही है। हालांकि इसके ऊपर अजय देवगन ने कहा है कि भाई वो तो ऐड करते रहेंगे क्योंकि अगर ये इतना ही खराब है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। साइड सी बात है, यहाँ पर सभी का अपना अपना मत है, लेकिन एक IAS अधिकारी ने इस बात पर अमिताभ बच्चन अजय देवगन को इस कदर धोया है कि शायद अब ये बात सोचनी पड़ जाएगी कि यार ये लोग क्या ऐड करके सही कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया में बहस चल रही है। इस बीच एक IAS अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित हावड़ा ब्रिज की गुटखा पीक से सनी तस्वीर ट्वीट की है। ट्वीट के साथ ही उन्होंने शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन को टैग भी किया है। IAS अधिकारी अवनीश शरण ने तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहा है कि गुटखे की पीक से 70 साल पुराना पुल की हालत खराब हो रही है, एक तरह से गुटखा चबाने वाले हावड़ा ब्रिज पर हमला कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तंबाकू और गुटखे का विज्ञापन करने वाले सितारों को ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद अक्षय कुमार ने खुद को विमल इलायची के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से अलग करके अपना पत्ता तो साफ कर लिया है। साथ ही कहा था कि जो भी पैसे इस विज्ञापन से उनको मिलेंगे उन्हें वो दान कर देंगे। अक्षय कुमार ने फैन से माफी मांगते हुए कहा था कि मैं अपने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से माफी मांगना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे काफी प्रभावित किया है। हालांकि मैंने तंबाकू का समर्थन नहीं किया और ना ही मैं आगे करूंगा। मैं विमल इलायची के साथ अपने एसोसिएशन को लेकर आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने कदम पीछे लेता हूं। साथ ही मैंने फैसला किया है कि विज्ञापन के लिए ली गई फीस को किसी अच्छे काम के लिए दान कर दूंगा। ब्रांड चाहे तो इस ऐड को प्रसारित करना जारी रख सकता है जब तक कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि पूरी नहीं होती, लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में पूरी समझदारी के साथ विकल्पों का चयन करूंगा। इसके बदले में मैं हमेशा आपका प्यार और शुभकामनाएं चाहूंगा। दूसरी ओर अजय देवगन ने इसे व्यक्तिगत पसंद बताते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी चीज़ का विज्ञापन करना किसी का भी व्यक्तिगत मसला होता है, हम इतने परिपक्व हैं कि अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं इलायची का विज्ञापन कर रहा हूं। अजय के मुताबिक जो चीज़ें नुकसान पहुंचाने वाली हैं उन्हें बिकना ही नहीं चाहिए। बता दें कि पुष्पा द राइज के लिए दर्शकों से भरपूर प्यार बटोरने वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में एक तंबाकू ब्रांड का टीवी प्रचार करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए उन्होंने तंबाकू कंपनी से भारी भरकम फीस भी ऑफर करी गई थी, लेकिन एक्टर ने ऐड करने से इनकार करते हुए ये कहा था कि इससे लोगों को गलत संदेश जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो बातें अल्लू अर्जुन ने कही थी वो बातें शायद अजय देवगन की बातों से सीधे सीधे पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर इन लोगों के लिए कब तक पैसा ऊपर रहेगा। तो अवनीश जी ने जो ट्वीट किए हैं उन ट्वीट के ऊपर कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं, हम उन रिएक्शंस तरफ भी देख लेते हैं। तो ये है वो ट्वीट जो कि अवनीश शरण ने किया है जिसमें कि उन्होंने कोलकाता पोर्ट की हालत के बारे में बताया। आप तस्वीर देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर पान की पीक थूकी गई है। ऑब्वियस ही बात है कुछ भी सड़ जाएगा और फिर ये तो हानिकारक भी होती है, जब इंसान को सड़ा देती है तो फिर ये क्या चीज़ है। अब इसी के ऊपर उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा था कि देखिए गुटखा प्रेमियों की सुविधा के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कितना बढ़िया उपाय किया है। अब गुटखा थूकने वालों को कोई अपराध बोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही पुल की रक्षा भी गुटखे की हानिकारक केमिकल से की जा सकेगी। इसके ऊपर दरअसल अब एक शीट लगाई गई है, उसका तस्वीर उन्होंने डाला है। अरुण रतन कहते हैं कि अजय देवगन हैज ऑलरेडी टोल्ड खराब है तो बेचना क्यों दे रही है, बिकेगा तो हम ऐड तो करेंगे, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, ये तो इलायची का ऐड कर रहा है। वैसे भी अब इलायची का ऐड कर रहा है, आप ही जानते हैं भाई इलायची के ऐड की आड़ में क्या कुछ हो रहा है, ये भी बताना पड़ जाता फिर क्या ही बात। ईशान लिखते हैं, सर इट्स इजी टू टारगेट दीज बॉलीवुड पर्सनैलिटीज फॉर अ कॉमन मैन, बट इवन इफ दे डोंट ऐड पीपल स्टिल हैव इट, नॉट एवरीवन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, व्हाई डोंट गवर्नमेंट बैन दीज थिंग्स इफ दे आर सो हार्मफुल फॉर अ पर्सन एंड देयर सराउंडिंग्स। इसके ऊपर अभियान लिखा है कि ईशान जी आप PR डिपार्टमेंट से हो क्या, अगर हाँ तो कौन सा एक्टर के। अब यहाँ पर ही भाई साहब उनको जरूर बोल रहे हैं PR डिपार्टमेंट का, लेकिन आपको समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी तो इससे रेवेन्यू मिल रहा है, तो गवर्नमेंट इसीलिए इस चीज़ों को बैन नहीं करना चाहती। भाई बैन कर देगी तो रेवेन्यू को शराब, भाई सबको पता है हानिकारक चीज़ होती है, लेकिन फिर भी बैन नहीं होती क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप देखें कि कभी भी शराब की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि शराबियों को कीमत से कोई मतलब नहीं होता, उनको तो पीना है मतलब पीना है। इसके बाद राकेश लिखते हैं कि स्टॉपिंग स्पिटिंग ऑफ गुटखा
पान मसाला एंड बीटल क्विड बाय लॉ एंड इट्स स्ट्रिक्चर्स इन्फोर्समेंट आर द ओनली सॉल्यूशन। इसके आगे उन्होंने कई सारे लोगों को यहाँ पर टैग भी किया है। कुमार लिखते हैं ऑन द लाइटर नोट, सॉ एन एम्प्टी पैकेट ऑफ मैनफोर्स एंड सनीरियन ने केम टू माई माइंड। बीजू लिखते हैं कि शेम ऑन दी सुपरस्टार्स, मनी मैटर्स फॉर देम, KGF, RRR, बाहुबली मूवी बीइंग अ बिग हिट, सो दी सुपरस्टार्स हैव नो चॉइस टू अर्न मनी, दे आर थर्ड क्लास स्टार्स। मतलब गुटखा बेच बेच कर दुकान चलानी पड़ रही है। इसके ऊपर सुधांशु और लिखते हैं, सर आपने गलत वाले शाहरुख खान को लपेट लिया है, वो तो बेचारा क्रिकेट का है, गुटके का विज्ञापन वाला दूसरा शाहरुख खान है। इसके ऊपर अवनीश लिखते हैं, कोई बात नहीं, अब वो भी कभी गुटके का प्रचार करने की सोचेंगे भी नहीं। शोम लिखते हैं, दो यूज ऑफ गुटका इज बैंड बट इट इज सोल्ड ओपनली इन कोलकाता, इट इज नॉट ओनली इंजूरियस टू हेल्थ बट ऑल्सो साइड पॉल्यूटर इन द सिटीस्केप, आई रिक्वेस्ट ऑल द कंसर्न ऑफिस टू टेक नोट ऑफ दिस एंड स्टॉप सेलिंग ऑफ गुटका इन कोलकाता। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना पैसा भर भर के रेवेन्यू के रूप में जनरेट होता है, क्या बताएं। अमित लिखते हैं, ट्रू दैट दिस पीपल आर इंस्पिरेशन बट दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, पीपल हैव बीन चूइंग स्पिटिंग ड्रिंकिंग इवन बिफोर दिस एड्स वर मेड एंड इफ पीपल वॉन्ट टू गेट इंस्पिरेशन देन वाई नॉट टू टेक गुड इंस्पिरेशन। क्या क्या अभिमान ने लिखा है कि whoever is justifying Bollywood stars action must understand that popular actors are or celebrities are influencers, so their promotion influence people on subconscious level. I understand that it would be hard for some people, not all, to understand my last line. So the best solution will be to make the major places where it's necessary protected from gutka spit, barriers, paints and bins, anything that protects the place. Like a particular part of a monument is steps suitable to place can be taken. देखिए जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी तब तक वैसे भी कोई नहीं सुधरने वाला। आप लाख जतन कर लीजिए लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आएगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जुनी फिलहाल जय हिंद जय भारत।